તાજેતરમાં પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ સુરત ખાતે 20મી કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશીપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે તેના સંકલિત અંશો. अच्छी रैली लेकिन जरा से मिस कर गए. ट्रेडिंग बाय टू गेम्स टू नाउ. बहुत ही अच्छा मूवमेंट गिवान के द्वारा और अच्छा कवर किया. नाउ एब्सोल्युटली वेरी गुड मूवमेंट एट द अदर एंड ऑफ द टेबल. Kutika had no answer whatsoever. Bahut hi badhiya rally. Again, we extend a warm welcome to our viewers in this live telecast. We are watching the action of the 28th Commonwealth Table Tennis Championships 2015, which are being played here at the Pandit Dindar Upadhyay Indoor Stadium in Surat, Gujarat. This is the second women's singles match you are watching between Ireland and India. Given is the player from Ireland and Krutivika from India. और ये बहुत ही अच्छा शॉट कृतिका के द्वारा दोनों बैकहैंड और फोरहैंड दोनों तरफ मार के उन्होंने पॉइंट अर्जित किया. वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले. Side spin and she was beaten by that one. और ये बहुत ही अच्छा स्पिन ऑन स्पिन ओपोनेंट के स्पीड पे खेल के पॉइंट अर्जित किया कृतिका ने. देयर यू कैन सी द लैक ऑफ द मूवमेंट कुड नॉट रीच टू द लाइन ऑफ द बॉल. हर इन टेरिटरी एज वेल. अच्छा सर्विस वेरिएशन गिवान के द्वारा और पॉइंट अर्जित किया गिवान ने. एशली रिबन फ्रॉम आयरलैंड शी इज गोइंग टू रिसीव द सर्व. शी गॉट स्क्वेयर ऑन द डिस्क्रिप्टिविका. पुट द बॉल इन द नेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बाउंस. और ये अच्छा वेरिएशन शॉर्ट बॉल और शॉर्ट एंड लॉन्ग वेरिएशन गिवान का और मैच में लीड पहली बार लीड बनाया है गिवान ने. क्लियरली इंडिकेट्स दैट शी हैज बीन सक्सेसफुल इन पुटिंग कृतिविका ऑन टू हर डिफेंस. यस एज शी इज नाउ गेटिंग स्क्वायर ऑन वेरी नियर टू द टेबल. और ये भी बहुत ही अच्छा लूप ड्राइव गिवान के द्वारा. सुधीर आप देख रहे हैं इस गेम में गिवान ने अपनी स्पीड को वैरी किया है, स्लो फास्ट किया है, जिससे कि उन्होंने वो लीड बनाने में. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट टू चेंज योर पेस इन हर शॉट्स. देयर इट इज नाउ अनेबल टू मैच विद द पेस. बहुत ही उम्दा ड्राइव गिवान के द्वारा. How quickly the situation has changed. Now she is leading by 10-4. Game point for third game. That's variation. It. This is what Given wanted. Is game Given then? Has won the third game by 11-4. So now Krutivika is leading by 2-1. Krutivika in the backhand shots beaten by the cross tables, trying to control the pace, concentrating in the middle of the table, and forcing her opponent to fall back onto defense as Krutivika is getting square on in her stance.
being very near the table, negotiating the side spin. There it is again, she is unable to repair. Opening the shoulder, putting that speed and pace. High toss side spin service, और उसका बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कृतिका ने. Down the line winner, कृतिका leading one love. बहुत ही अच्छी रैली और बहुत ही अच्छी रैली और जिसका के सेंटर में स्ट्रोक मार करके एशले ने पॉइंट लिया, स्कोर स्क्वायर किया. And Malak, that rally with tremendous pace from both the players. Yes. That two played in the center of the table. अभी गेम अच्छा आगे बढ़ता हुआ. दोनों प्लेयर की काफी रिदम आ रही है, जिससे कि मैच में अभी रैलीज डिस्कशंस बढ़ रहे हैं. और ये बहुत ही अच्छा सर्विस वेरिएशन कृतिका का, लंबा डाला जिससे उस जो गति बढ़ाई उन्होंने अपनी सर्विस की, जो कि जज नहीं कर पाई एशले, और अच्छा पॉइंट मिला कृतिका को. दिस टाइम बीटन बाय द पेस, स्लोअर इन पेस. इस गेम में बढ़त बनाती हुई कृतिका, लीडिंग बाय 4-1. The backhand, she puts it in the net, low in trajectory, and now after losing the game, third game, I think she has fallen on defense. बहुत ही बढ़िया फ्लिक था और उसका उतना ही अच्छा जवाब एशले द्वारा, और नेक टू नेक जा रहा मैच. Now she has concentrated on the backhand serve, slice serve from the corner of the table. That is Kritivika, unable to control it again. Not opening the shoulder. Again beaten by pace. Ashley अच्छा variation डाल रही हैं. सुधीर देखिए, जैसे आगे का ball उन्होंने तेज खेला था और ये ball उन्होंने slow spin खेला. That is the variation she is putting. और ये अच्छा अग्रेसिव ब्लॉक कृतिका का. और देखिए, आप आवाज सुन पा रहे होंगे दर्शकों की, बच्चों की. And now given gets a dose of her own medicine. Yes, correct. और ये पोजीशन नहीं बना पाई. अच्छा पुश एशले द्वारा, और इस गेम में फिर से एक बार एशले ने बढ़त बनाई है. I think something is very wrong as far as the mindset of Kritivika is concerned. She looks now disturbed, and I think that she has started giving it up. And on the other hand, yes, you can see the positive body language exactly on the part of Ashley. Oh, बहुत ही अच्छा flick Kritika के द्वारा, और again this change of strategy. Yes. Backhand slice serve. Oh, acha drive Ashley dwara, spin on spin khel gayi. Aur ye bahut hi badhiya point Kritika ke dwara. Ashley has been successful, Malay, in putting pressure on Kritivika by bringing those variations into her shots, and now she is playing a mental game. 9-7. अच्छा लूप एशले के द्वारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था गेम का, और जिसको
जिसको अर्जित किया एशले ने. शी स्ट्रगल टू रिटर्न दैट. और ये बहुत ही अच्छा क्विक पोजीशन, क्विक फ्लिक बाय कृतिका, और ये पॉइंट कृतिका के अंक खाते में. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच का. एशले और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला कृतिका ने और स्कोर हो गया 9-9 की बराबरी पे. दोनों खिलाड़ी प्रेशर में. और ये अच्छा सर्विस वेरिएशन और आसान सा मिस बाय कृतिका. 9-10 फोर्थ गेम. और बहुत एशले ने बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन दिया और ये फोर्थ गेम अपने नाम किया. अब दोनों खिलाड़ी 2-2 की बराबरी पे और ये गेम जो जीतेगा वो मैच अपने नाम करेगा. Different players in the different windows. On the left hand side is Indian player, that is Kritivika, and in the right hand window is given Ashley from Ireland. Also, good pace, concentration on the center of the table, beaten by the pace. इस गेम में हमें बहुत ही अच्छी रैलीज देखने को मिली. एंड नाउ द फिफ्थ गेम हैज जस्ट बिगन. शुरू के पॉइंट्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला पॉइंट कृतिका के फेवर में. कृतिका हाई टॉस सर्विस, अच्छी शॉर्ट सर्विस, अच्छा स्पिन, बट फिर सामने एशले ने बहुत अच्छा ड्राइव खेला. ये ड्राइव ऑन ड्राइव उनकी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको कि कवर करने में नाकाम रहती हैं कृतिका. और ये अच्छा सर्विस वेरिएशन एशले द्वारा. शुरू के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और बहुत ही अच्छी रैली और बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला कृतिका को. दोनों खिलाड़ी. इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस रैली मलय वाज दैट कृतिका प्लेड इट फ्रॉम द एज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल विद द स्क्वायर ऑन स्टांस while the opponent from the edge of the table. Yes. और उन्होंने अच्छा दोनों तरफ बॉल को मूव करवाया और पॉइंट मिला. और फिर आगे फिर से एक बार बहुत अच्छा सर्विस वेरिएशन और अच्छा फ्लिक कृतिका के द्वारा और बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा. She knew it that she is playing from the corner of the table. She concentrated on the other hand, on the forehand side at the extreme end of the table, and thus winning a point. बहुत ही अच्छा aggressive block कृतिका के द्वारा एशले के center में और कृतिका leading अभी 5-2. बहुत ही अच्छा commanding lead है कृतिका के पास. अब दर्शकों का शोर आप सुन पा रहे होंगे, इंडिया इंडिया इंडिया. जितने ही उत्साहित हमारे प्लेयर्स हैं उतने ही उत्साहित हमारे स्पेक्टेटर्स भी हैं. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कृतिका टू स्टेज अ कमबैक इन टर्म्स ऑफ. और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक कृतिका के द्वारा, बहुत ही अग्रेसिव ब्लॉक. बॉल को बढ़िया टैप कर दिया स्पिन कंट्रोल करके एंड
she earned the point 6-2. और अगेन सर्विस वेरिएशन कृतिका के द्वारा, जिसको कि उठाने में असफल रही दीवान, बहुत ही बढ़िया कमांडिंग लीड 7-2 कृतिका की फेवर में. इट्स नाइस टू सी यूजिंग हर रीच टू कम ऑन द टेबल टू मेक द वॉली. आसान बॉल मिस हो गया, क्रूशियल पॉइंट. और ये अच्छा सर्विस वेरिएशन सेंटर में मार्जिन को कम करती हुई एश्ले दोनों सर्विस पॉइंट्स लिए. और ये कृतिका ने टाइम आउट लिया, जो कि एक सही निर्णय है. सो लेट अस होप. और देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा खेली, एक ब्रेक मिला और ये पॉइंट कृतिका ने अर्जित किया. आप एक मिनट के ब्रेक में आप एक कुछ स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न गिवान का, लॉन्ग पुश, जिसको कि अच्छा स्ट्रोक्स खेलने में असफल रही. और अब 6-8 एश्ले की सर्विस. बहुत ही अच्छा खेला ये. जहां तक मैं समझता हूं तो सुधीर, एश्ले कृतिका को सेंटर में पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि इस पॉइंट में कृतिका ने अच्छा कवर किया और पॉइंट अर्जित किया. Understand that lack of footwork, yes, covering the area, yes, and Krishnov coming to the extreme forehand side of the table. She could not return. ये आसान सा स्ट्रोक मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 9-8. दोनों ही आसान पॉइंट्स मिस कर गई कृतिका. लैक ऑफ कंसंट्रेशन या थोड़ा सा दबाव फील अनुभव कर रही हैं, इसीलिए ये आसान से दो बॉल मिस हो गए. और ये मैच पॉइंट, बहुत ही अच्छा स्पिन, बहुत ही अच्छी रिकवरी. सुधीर देखिए आप, कितना जल्दी गेम चेंज होता है. 2-0 से कृतिका आगे थी, 2-2 हो गया, और पांचवी गेम में 7-2 अप थी और 9-9 हो गया. अभी ये मैच पॉइंट पे है. दोनों खिलाड़ियों पे प्रेशर. और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्पिन ऑन स्पिन बहुत ही अच्छा खेल गई एश्ले. और बहुत ही प्रेशर पॉइंट पे इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन एश्ले द्वारा. फिर से गेम स्क्वायर अप हो गया. अभी 10-10 की बराबरी पे, डिफरेंस ऑफ 2. और ये बहुत ही अच्छा सर्विस वेरिएशन और बहुत ही अच्छे फ्लिक. फिर से एक बार मैच पॉइंट कृतिका की फेवर में. और ये मैच अपने नाम किया. अच्छा डीप रिटर्न कृतिका का. एनीथिंग कैन हैपन, शी कैन नॉट अफोर्ड टू रिलैक्स. एंड नाउ लेट अस वॉच द पॉइंट, द फोरहैंड वॉली विच शी वाज अनेबल टू रिटर्न. And this was the game point. एक मिनट में गेम कहां से कहां चेंज हो जाता है. आप स्कोर लाइन देखिए, पहला गेम कृतिका ने जीता 11-6 से, दूसरा भी कृतिका ने जीता 11-6 से,
फिर बाकी के दो गेम, तीसरा गेम एशले ने आसानी से जीता जिसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अगेन फोर्थ गेम गेवान ने जीता 11-9 से और पांचवा गेम 12-10। लेट अस वॉच द हाइलाइट्स। ट्राइंग टू इंपार्ट दैट साइड स्पिन, प्लेइंग विद स्क्वायर ऑन स्टांस अवे फ्रॉम द टेबल, putting a lot of pace in her shots. Backhand serve. After first two games, Ashley made a magnificent comeback. She won both the games number 3 and 4, putting her opponent Kritivika onto defense. But in the final game, Kritivika got a magnificent comeback by bringing that variation into her shots, changing her strategy, getting square on in her stance, playing from near to the table with absolute control over pace and shots. And that's how the